हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मुझे पूरा पता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और न्यू ईयर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ आप लोगों ने भी प्लानिंग बनाई होगी कि मुझे कहाँ घूमने जाना है, कहाँ क्या करना है। अभी देखिए मेरा न्यू ईयर कैसे बीता वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने सारा क्लीनिंग कर लिया है, झाड़ू पोछा कपड़े जो है वो मैंने मशीन में लगा दिया है और मैंने भी नहा लिया है, पूजा कर लिया है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। अभी देखिए मैंने बड़ी जो है ना बड़ी को फ्राई कर लिया है और आज मैं बना रही हूँ निमोना। तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ बड़ी वाला, जो बड़ी वाला निमोना होता है ना वो। तो ये देखिए मैंने मसाला जो है बना लिया है, जैसे कि टमाटर है, हरा लहसुन है, हरी धनिया की पत्ती है, हरी मिर्च है और प्याज है, टमाटर है। तो इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और हल्दी डाल दिया है और दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए तेल गरम हो गया है तो मैं इसे अभी इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए छबी खड़ी है ना तो पकड़ रही है, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से मैं फ़ोन ली हूँ और एक हाथ से मैं खाना बना रही हूँ। तो छवि ने जो है कुकर पकड़ लिया है। तभी देखिए फ्रेंड्स, इस मसाले को मुझे भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और ऑयल जो है इससे मसाला जो है वो ऑयल ना छोड़ दे। नहीं वहाँ नहीं रखना है, फिर मोबाइल गिर जाएगा, फिर मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अभी मैं भून लेती हूँ और चलिए दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए मशीन मैंने लगा दिया है और मैंने सोचा था ना कि जब बच्चे आप नहा लिए थे ना तो आप देखिए मैंने आग जलाया था, पर आग जो है सारा जो है वो ठंडा हो गया है, वो देखिए। तो सारा आग जो है वो ठंडा हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और मैंने आज ये पुरानी वाली साड़ी पहनी है जो मैंने मीशो से मंगाई थी। तो चलिए पहले ये काम करते हैं, मसाले भून लेते, पहले किचन से फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं जाऊँगी मंदिर और मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सिंक पूरा फुल हो गया है, ये देखिए सिंक। फ्रेंड्स, जब तक मेरा मसाला भुनेगा तब तक मैंने अभी आलू को पील करके कट नहीं किया था, तो वही मैंने 3 आलू लिया है बड़े बड़े साइज का। तो इसे मैं अच्छे से पील करके वाश करके और इसे कट कर लूँगी। और जिन बरियों को मैंने भुना है ना तेल में, उन्हें मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि तोड़ कर ही बनाया जाता है बरी का सब्ज़ी और ये बहुत टेस्टी लगता है। और इतना अच्छा ये बरी है ना, मार्केट का ये बरी है, ये इतना अच्छा है ना कि पूरा जो बरी है वो अच्छे से गल जा रहा था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं गल रहा था, बहुत ही टेस्टी बरी ये बना भी था, इसका सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी लग रहा था। देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ रहा है, बस थोड़ा सा और भून लूँगी, फिर उसके बाद से मैं आलू और बड़ी इसमें डाल दूँगी। और यहाँ देखिए जो मटर है, मैंने मटर जो है वो पीस लिया है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया ही था कि मेरे सिंक में बर्तन जो है वो काफ़ी बर्तन हो गया था, तो ये मैं सोच रही थी कि जब तक मसाला भून रहा है तब तक मैं सारे बर्तन भी धुल दूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े बर्तन वाश करूँगी ना तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगा और सिंक भी मेरा फुल नहीं होगा। तो अभी मैं सारे बर्तन को वाश कर लूँगी और जितना बाउल्स है बाउल्स की जगह पे और बाकी सारे बर्तन हैं उनकी जगह पे रख दूँगी। और फिर मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया है, तो फिर अभी चलते हैं मसाला चेक करने। फ्रेंड्स, मसाला जो है भून गया है, तो मैंने इसमें आलू और बड़ी को ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, 2-4 मिनट के लिए कवर करूँगी, फिर इसे अच्छे से चला लूँगी। और मैंने जो मटर का भुने हुए मटर का पेस्ट बनाया है उसे इसमें ऐड कर दूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो मटर है इसे मैंने पहले ही भून लिया था, थोड़े से तेल के साथ इसे भून लिया था, फिर मैंने इसका पेस्ट बनाया है। तो इसे देखिए मैंने डाल दिया है, इसमें जितनी क्वांटिटी में मुझे पानी चाहिए था मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी कर देती हूँ लिड बंद और 2-3 सीटी आने तक इसे छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, रेडी है बरी का निमोना और आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, मैंने किचन क्लीन कर लिया है, लंच तैयार है, अभी हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से आएंगे तो फिर उसके बाद से लंच करेंगे। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है क्योंकि बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 12 बज रहा है। और देखिए मैंने किचन में पूरा किचन जो है क्लीन कर दिया है और बेसिन भी मैंने साफ़ कर लिया है, कपड़ा भी जो है वो वाश हो गया है। और पता है आज 2 घंटा लग गया कपड़ा वाश होने में, क्योंकि लाइट जो है ना वो कट रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इसकी वजह से इतना लेट हो गया है। तो चलिए अभी हम चलते हैं मंदिर में, माता रानी का दर्शन कर लेते हैं, नए नए साल, नया साल है,
जो साल है वो अच्छे अच्छे जाए। मैं पहले सॉक्स पहन लेती हूँ, सॉक्स पहनूँ या ना पहनूँ पहन लेती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो छवि छवि तुम छत पे चल जाओ बेटा, बाल्टी ले आ, कपड़ा निकाल दो, कपड़ा छत पे डाल दिया जाए। और रुपेश साइकिल से जाएगा, बोल रहा कैसे मैं जाऊँगा साइकिल से, ज़्यादा दूर नहीं है, चार लोग लोग बाइक से नहीं आएंगे ना। देखिए हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए फ्रेंड्स लोग से, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। छवि बाल्टी लेके आ गई है, पहले मैं कपड़ा निकाल लेती हूँ। छवि तुम निकालो, मिर्ची के निकाल दो, रुको एक मिनट है अभी, एक मिनट के बाद निकालते हो मैं। तब तक क्या हुआ, दूर है तो बताओ, साइकिल से नहीं जाओगे, कब जाना सोचोगे। धूप निकल गई है, अभी अच्छी खासी धूप निकली है, कपड़े जो हैं सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, और धूप अच्छा निकल गया है इसलिए जाते हैं अभी मंदिर। मेरी तिरछी लगी है, मैंने देखिए अभी थ्रेडिंग नहीं बनवाया पूरा, थ्रेडिंग मेरा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और थोड़ा और बढ़ जाएगा तब मैं बनवाऊँगी। ये भी सॉक्स पहन लूँ पहले। और फ्रेंड्स अभी मैं छत पे आ गई हूँ, सारे कपड़े मैं लगा देती हूँ सूखने के लिए। वैसे 12 बज भी गया था, लेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कपड़े जो हैं आधे तो सूख ही गए थे, मशीन में बस धूप लगाना थोड़ा सा बाकी था, तो कपड़े सूख भी गए थे, 2 घंटे में कपड़े सूख गए थे। फिर मैंने इसे फोल्ड करके अलमारी में लगा दिया था। और फ्रेंड्स नए साल की शुरुआत हमने माता रानी के मंदिर जाके की, आपने कैसे की मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं हर साल जाती हूँ माता रानी के मंदिर, पर इस साल मुझे काफ़ी लेट हो गया था, और फ्रेंड्स मैंने लेट कर भी दिया था, क्योंकि दोपहर में जाऊंगी तो भीड़ कम मुझे मिलेगा, और मैं भीड़ को बिल्कुल अवॉइड कर रही थी, इसकी वजह से मुझे 12 बजे जाना पड़ा मंदिर में। तो फ्रेंड्स अभी हम सब लोग रेडी हैं बस मंदिर निकलने के लिए। रुपेश देखिए वहाँ पर अपनी साइकिल जो है वॉश कर रहा है, वहाँ पर उसे साइकिल चकाचक चाहिए होती है। और यहाँ हस्बैंड भी तैयार हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल दीजिए भाई। हैप्पी न्यू ईयर, हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए अभी मंदिर में मिलते हैं आप लोग से। फ्रेंड्स अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं, और ये मंदिर मेरे ब्लॉग में आप कई बार देख चुके होंगे, मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है मंदिर, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और ये अष्टभुजी माता हैं, तो यहीं पर हमेशा मैं आ जाती हूँ। फ्रेंड्स आप भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और ये देखिए मंदिर का लुक कुछ इस तरीके से है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, पर मैं अंदर से आपको नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि अंदर जो है वो ताला लगा हुआ है, तो बाहर से ही आप दर्शन कर लीजिए। इनकी ध्वजा का दर्शन हम लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा देती हूँ। और ये देखिए उनके बगल में उनकी एक छोटी सी प्रतिमा बैठाई गई है, तो यहाँ पर हम आ गए थे और यहाँ पे मैंने दर्शन कर लिया, और सिंदूर वगैरह मैंने लगा दिया, खुद भी मैंने लगा लिया, मैंने नहीं हस्बैंड ने लगाया था मुझे। आप देख सकते हो भीड़ कितना कम हो गया है, दोपहर में जाने की वजह से भीड़ काफ़ी कम हो गया था, और मैं मास्क निकाल के भी मतलब मैं घूम ली थी, दर्शन कर ली थी। और बच्चे जो हैं वो हमारा पैर छू रहे थे, और छवि जो है ना घर पे भी, वो जब सो के उठती है ना तो मेरा पैर छूती ही है, और जब पापा उठते हैं तो उनका भी पैर वो छूती है, तो हम दोनों ने उन्हें भर भर के आशीर्वाद दिया। और फ्रेंड्स आप लोग भी मतलब सेफ रहिए, कोरोना फिर से आ गया है, और मेरे बच्चों का तो क्लासेस भी बंद हो गए हैं, उनके ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास जो है वो बंद हो गए हैं। तो आप सेफ रहिए फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि न्यू ईयर जो है वो अपने साथ एक भारी मुसीबत भी लेके आया है, तो हमें सेफ रहना है, उससे बचना है हमें, क्योंकि कोरोना का दूसरा रूप भी आ गया है, आप सबको पता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप सुरक्षित रहिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा 2021 है ना वो मेरा अच्छा नहीं गया था, हम दोनों लोग जो है वो काफ़ी बीमार हो गए थे, कोरोना नहीं था हमें, फिर भी हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, शायद हो भी सकता है पर मुझे पूरा पता नहीं है। तो अभी आ गई हूँ मैं दर्शन करने, शनिदेव यहाँ पे थे उनका, क्योंकि शनिवार के दिन जो है वो न्यू ईयर पड़ा था, 1 तारीख था, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शनिदेव का दर्शन करने। हनुमान जी का किया है, शिव जी का किया है, अभी मैं हनुमान चालीसा जो है पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद से यहाँ आ गए थे कुछ गरीब थे, तो मैंने रुपेश के हाथों से उन्हें कुछ पैसे दिला दिए, मतलब जितने भी यहाँ लोग बैठे थे ना इन सभी को रुपेश ने कुछ पैसे दे दिए, फिर हम घर पर आ गए। तो फ्रेंड्स अभी हम दर्शन करके आ गए हैं, देखिए वहाँ देखिए किचन में मैंने चावल चढ़ा दिया, देखिए
वहाँ देखिए गर्मा गर्म चावल बनेगा, फिर हम चावल खाएंगे, लंच करेंगे, क्योंकि अभी हम जानते हैं लंच नहीं किए थे। ये हुआ कि पहले मंदिर दर्शन करके आ जाए, तो हस्बैंड तो कुछ नहीं खा के गए थे, लेकिन मैं भी कुछ नहीं खाई थी, पर बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिया था, तो अभी हमारा लंच होना बाकी है। अरे देखिए हस्बैंड ये सिंदूर मुझे लगाए हैं, वो हर साल मुझे लगाते हैं, एनिवर्सरी पे लगाते हैं, उन्होंने इस बार भी लगाया पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स हस्बैंड ने अभी मुझे गुलाब दिया है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार मुझे दिया है, वो बार बार हमेशा, जैसे कि वैलेंटाइन डे हो जाता है या और न्यू ईयर होगा या मेरा बर्थडे है तो मुझे वो देते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। अभी तक सबको मैंने बोल दिया पर इनको नहीं बोला था, तो इसलिए अभी बोल रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़, मुझे एक साल कंप्लीट होने को है पर मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, मुझे बहुत टेंशन है पर लाइफ इंजॉय कर रही हूँ, बस अपना काम जो है वो करती जा रही हूँ, वर्क जो है वो कर रही हूँ, देखती हूँ आगे क्या होगा, पर आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए आप। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे मैं स्टॉप कर दे रही हूँ और जा रही हूँ सभी को लंच कराने, तो बाय बाय फ्रेंड्स।